हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे, ऐसे हजार बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता आएंगे, बोलेंगे, लेकिन यहाँ के लोग झुकने वाले नहीं है और कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों के साथ है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के साथ हम जुड़े हुए हैं। भाइयों, राहुल जी सबसे बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली। हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर में हमारा यात्रा समाप्त हुआ, भारत जोड़ो यात्रा जिसमें मैं भी शामिल था, फारूक अब्दुल्ला साहब शामिल थे, ऑल पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल थे, सभी ने इसमें हिस्सा लिया और उसको बहुत यहां पर कामयाबी मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन, ये देखने के बाद बीजेपी घबरा गई है, बौखला हो गई है और वो चाहते हैं, उसी लिए वो जम्मू कश्मीर के लिस्ट बार बार बदलते जा रहे हैं। कभी शाह बदलता है लिस्ट, तो कभी यहाँ के नेता बदलते हैं, इतना घबर गए हैं, दो दो तीन तीन लिस्ट उसमें बन रहे हैं, बगावत वहां पर हो रही है। तो इससे ही आप समझिए, इंडिया गठबंधन के एकी के साथ, यूनिटी के साथ जब काम कर रही है, इसीलिए वो लोग डर गए। और अभी राहुल गांधी जी और हम, फारूक अब्दुल्ला साहब, जब हम एक हो गए तब बीजेपी और भी घबरा गई है, डर गई है। पहले तो बहुत डराने की कोशिश की और वो शाह तो दो तीन बार आए, इतना भाषण बोलते, इतना बकते हैं, इतना बकते हैं, शायद उनको कभी शर्म नहीं आती कि झूठ बोलना। ठीक है, उन्होंने एक बार बोला था कि जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम अगर हुकूमत में आएंगे, हर एक को 15-15 लाख रुपए पैसे देंगे, सब काला धन बाहर है वहां लाकर लोगों को देंगे। फिर बाद में बोले हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे। जब हमने पार्लियामेंट में पूछा, बाहर पूछा, तो वो बोले ये तो चुनावी जुमले हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए जो झूठ बोलकर वोट लेते हैं, जो झूठ बोलकर लोगों को दगा देते हैं, लोगों को फंसाते हैं, नौजवानों को दिशा भूल करते हैं, वो जवाब देना चाहिए। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल के, अब 20 करोड़ नौकरियां, कहाँ है किसानों को देने का दाम, कहाँ है किसानों को देने का MSP, कहाँ है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण करने की बात की। अभी भी इन्होंने आने के बाद हजारों आज अटैक हो रहे हैं, हर जगह लोग तंग और तबाही के साथ फिर रहे हैं, लेकिन कभी भी
मोदी जी शर्माते नहीं और शाह भी शर्माते नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले और झूठों के सरदार है, और जो झूठों के सरदार होते हैं वो ऐसे ही बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। लेकिन हम सच बोलने वाले हैं, सच बोल के इस देश को हमने 60-70 साल ठीक रखा, शांति से रखा, और देश में दुनिया भर के हमने काम किया, इरिगेशन का, पब्लिक सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, और हमने ये करके दिखाया। ये देखिए आपके सामने ये क्या है, ये क्या है भाई सामने आपके, ये यहां मार्केट बनने वाली थी 10 साल पहले, इसका फाउंडेशन हुआ मुझे बताया गया, 10 साल होने के बाद भी आज मोदी साहब के सरकार में जमहूरियत सरकार को हटाकर जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आई, 10 साल से ये पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई देखने वाला नहीं। और पहले बोलते थे पिछले सरकारों में लटकता झटकता पटकता, पेपर रहता था, फाइल रहता था, अरे भाई अब क्या हुआ इसका, बोलते तो है काम नहीं करते, सिर्फ भाषण देना, और भाषण देते देते हमने इतने झूठ बोले, शायद ही कोई पॉलिटिकल नेता अब तक उतना नहीं बोला। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पिछले 5-10 सालों में यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, कई चीजों की किल्लत कमी है, इसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं कर रहे, इधर देख रहे नहीं। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं, शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं, और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगाया, अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए, ये देश हमारा है, और इस देश में पहले ही झंडा फहराया, और संविधान हम लोगों ने बनाया, और उसमें सबको बराबरी का हक दिया। आज आप उसको तोड़ रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, इसीलिए मैं कहूंगा हिंदुस्तान के इतिहास में आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि यूनियन टेरिटरी स्टेट बना है। अब गोवा का लो यूनियन टेरिटरी थी, वो स्टेट बन गई, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर ये स्टेट उठता, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया? ये है मोदी और शाह की गवर्नमेंट, इसीलिए उसको यहां पनपने नहीं देना, उसको आने नहीं देना, उसको उखाड़ के फेंक दो। और एनसीपी और कांग्रेस ये मिलके हमारे काम करेंगे, सरकार हमारी आएगी, जो वायदे हम कर रहे हैं उसको हम निभाएंगे, और आपको साथ लेकर चलेंगे, और इस स्टेटहुड के लिए तो यहां पर हम
ये वायदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को हम मिलके इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, तो ये हमारा वायदा है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहां पर अगर एनसी और कांग्रेस में हुकूमत आने के बाद अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये भी कायम होगा और वो भी हम करके दिखाएंगे। अगर कोई कहता है वो कैसा करेंगे भाई, हम तो सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, इन्हों क्या करेंगे, अरे ऐसा ही करेंगे, जनता जब हमारे साथ है आप कुछ नहीं करेंगे, जनता करती है। इसीलिए मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि यहां पर इस गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से जो चल रही है एलजी गवर्नमेंट, यहां पर भ्रष्टाचार होगा, यहां पर खनन शराब इसके सभी ऐसे खराब चीजें यहां पर आज चल रहे हैं, इसको सब हम बंद करेंगे। और ये लोग धमकाने की कोशिश करते हैं और धमकी देकर लोगों को डराते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। और उनको ये बार बार अगर आप बताएंगे तो ये अच्छा नहीं। मैं उन्हीं के एक आदमी का काम बताऊंगा, यहां के जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, यहां पर मालूम होगा, उन्होंने कहा बीमार होने और तीन चार दिनों से अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मैंने जिन लोगों पर सैकड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उनकी जांच करने के बजाय सरकारी एजेंसियों की तानाशाही आदेश के तहत मेरे घर पे छापे मारे, ये एक गवर्नर कहता है जो गवर्नर उनके ही जमाने में यहां पर था। आप सोचिए कितने चोर कितने भ्रष्टाचार यहां था, और कितने उनके सेक्रेटरीज काम करने वाले लोग यहां पैसा कमा के गए, भ्रष्टाचार के फाइल रख के गए। उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अगर एक पूर्व गवर्नर कोशिश करता है तो उसी के घर पे छापे गिरते हैं। और इन्हों तो चोरों को छोड़ देते हैं, जो असल बात बोलते हैं उन्हीं को पकड़ लेते हैं। हमारे पास एक कहावत है कि चोर से चोर ऊपर से क्या सीना चोरी, यह ऐसा है। खुद को तो खुद के लोग तो चोर है ही है, और दूसरों को ये बोलते हैं जोर से ताना सीन अपना छाती ये करके कि हम सब यहां पर करप्शन बंद करने के लिए आए हैं। भाइयों, मैं आपसे यही करने वाला हूं कि ये लोग सीबीआई ईडी सीबीसी ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके सबको डरा डरा के हमारे कार्यकर्ताओं को घर में बिठा रहे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और उधर मणिपुर से लेकर गुजरात तक सभी कार्यकर्ताओं को डराना, फिर भी गठबंधन वाले लोग डरे नहीं। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मोदी की संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसकी एक टांग तो टूट गई है, वो टांग टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार एक हाथ दिया, टीडीपी ने एक टांग दिया, उसके बल पे वो चल रहे हैं।
तो ये ऐसे लोग हैं, फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 पार। कहां गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे, ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है, डरने वाले नहीं है। यहां से लेकर वहां तक सब कोई डरने वाला नहीं है। किसी भी मुसीबत में वो जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, हम उनके साथ है, मेरी पार्टी उनके साथ है, राहुल जी उनके साथ है, मैडम सोनिया गांधी जी भी उनके साथ है। तो इसलिए हम एक होके काम करना है और सब लोग एक होकर लड़ना है, एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। हम लोग जीतना है, लड़ना है, लड़ते वक्त कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए। मैं आप तमाम से अर्ज करूंगा कि यहां पर तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रुक गया है, और आज मैं ये बात कहूं कि 1,00,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में खाली है, 1,00,000। अगर हम आएंगे 1,00,000 नौकरियां भर देंगे, नौजवानों को मिलेगा, क्योंकि ये लोग आपको गरीब रखना चाहते हैं। नौजवानों को सभी एक मिनट एक बार, ये लोग कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को गरीब का गरीब रखना चाहते हैं। इसीलिए तो नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, जो खाली है। इन्हों तो कोई बड़ी फैक्ट्री लाए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री करी नहीं, लेकिन जो है सो सरकारी नौकरियां भी इन्होंने भर्ती नहीं की। इसीलिए आप सबको काम करना है और यहां पर कांग्रेस और एनसी को लाना है। अगर आया तो टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स को हम फोकस करेंगे, और जितने भी स्कूल आज बंद हो गए हैं, 4,400 सरकारी स्कूलें बंद हो गई, उसको हम चालू करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर शिक्षा हम देंगे तो तभी हमारे लोग आगे आ सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं, मैं जुमले नहीं कह रहा हूं शाह के जैसे, मैं जो कुछ कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। और हमारे बुजुर्ग नेता फारूक साहब भी है, हमारे पार्टी के नेता है, उनके सामने कह रहा हूं कि ये काम हम करके दिखाएंगे, सिर्फ कह के नहीं। और एक बात मैं आपको कहता हूं, यहां पर पहले मैं सुना 11 किलो राइस मिलता था, चावल, राइस बोला, चावल मिलता था कितना? 11 किलो। अब मोदी जी कितना दे रहे हैं? 5। तो कौन गरीबों का हमदर्द है? अरे फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया गरीबों के पेट भरने के लिए, बच्चों के पेट भरने के लिए हमने फूड सिक्योरिटी लाया, सोनिया गांधी ने लाया, और सबके लिए उन्होंने जिस जिस स्टेट में कुछ देना है दिए। यहां पर तो 11 केजी हर इंसान को मिलता था मैंने, आज 5 केजी दे रहे। यही देखिए फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में, और उछल उछल के भाषण करते हैं। तो आप ही सोचिए, ये कहने
और करने में कितना फर्क है। और ये बोलते रहते हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये बोलने जो भाषण देने वालों के ऊपर आप भरोसा मत करो, काम करने वालों के ऊपर भरोसा करो। बिजली का हम ठीक से करेंगे, आपके पानी का, जमीन का, सभी चीज़ों को हम आपसे मदद करेंगे। और दूसरा कि जैसा ही अब हमारा बीजेपी कितना भी लाख कोशिश कर रहे हो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं, यह अपनी ताकत पार्लियामेंट में दिखाया है, सारे देश में वही ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग एक होकर हम कदम पे कदम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको उनकी इजाज़त भी है, मैं इजाज़त के साथ बात करूँगा। महिला सम्मान हमारा हक है, परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3,000 रुपए मासिक सहायता हर महीना, औरतों को 3,000 रुपए महीना हम सहायता देंगे, महिलाओं के लिए 5,00,000 रुपए कर्ज हम विद इंटरेस्ट फ्री देंगे, इंटरेस्ट फ्री देंगे, और 5,00,000 रुपए अच्छे सेहत हमारा हक है, इसके लिए 25,00,000 रुपए का इंश्योरेंस बीमा हम कवर करेंगे। और हेल्थ केयर जैसा हमने राजस्थान में किया था, वैसा ही जम्मू एंड कश्मीर में करके दिखाएंगे, लोगों के शायद को मजबूत करेंगे। पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है उनके लिए संविधान के मुताबिक उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक हम दिला के रहेंगे। और मनमोहन सिंह जी के जमाने में उन्होंने जो अनाउंस किया था उसमें हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे कैबिनेट में, मैं भी था, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन करने का वायदा किया था वो हम पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। तो आपके बोला ना 11 केजी वापिस करेंगे, ये तो पहला है। तो वो 5 केजी छीन लिया, चोरी करने वालों को दिया 6 केजी, वो तो वो 6 केजी हम वापस लेंगे, और 5 और 6 11 केजी देंगे। तो ये हमारा वायदा है, इसीलिए इतने धूप में भी आप बैठे हैं।